आदाब नाज़रीन, जिस तरीके से हमने यहाँ की पल पल की खबरें आपको दिखाई, ये 2022 जो हज का सफ़र है, एक आखिरी काफिला यहाँ से रवाना हो रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बस यहाँ से निकल रही है और हज़ारों का मजमा, बारिश होने के बावजूद भी, बरसात होने के बावजूद भी, अपने जो भी घर के हाजी जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि अल्लाह के घर को जो मेहमान जा रहे हैं उनका दीदार किया जाए, क्योंकि अल्लाह के घर को जो मेहमान जा रहे हैं उनको देखना भी सवाब के मानी दे। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बस का जो काफिला है निकल रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े जिम्मेदार साथियाँ हैं, कुछ सियासी लीडर भी आए हैं, मजहबी रहनुमा हैं, उलमा इकराम हैं, सबकी मौजूदगी में ये आखिरी बस निकलने जा रही है। इसके बाद कोई और बस नहीं रहेगी और कोई हज कमेटी की जानिब से जाने वाली कोई और फ्लाइट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर ये है कि जो ये मजमा आप यहाँ पर देख रहे हैं, बरसात होने के बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर खड़े हैं, भीगते हुए उन हाजियों को जाते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हाजी जो जा रहे हैं वो अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अल्लाह के बुलावा आने पर जा रहे हैं। और जो भी हाजी जा रहे हैं, अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद, क्योंकि कोरोना का मसला हमारे सामने ऐसा आया, ऐसा पैंडेमिक का मसला आया, अगर कोई मालदार भी जाना चाहे तो जा नहीं सकता था, लेकिन अल्लाह ताला ने 2 साल के बाद अपने बंदों को अपने घर को बुला रहा है। और जहाँ पे तमाम मजमा जो है नज़र आ रहा है, जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, I'm not afraid of the dark.